सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सबको? सबको राम राम। वेलकम टू दी जेई चैलेंजर, वेलकम टू दी चक्रव्यूह सीरीज। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन लेकर मैं सागर जाती आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और ये मेरे तरफ से लास्ट लेक्चर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स आप तक पहुंच चुके हैं। अब एस ब्लॉक और हाइड्रोजन को अक्सर बच्चा क्या करता है, हल्के में लेकर उसको छोड़ने की कोशिश करता है। गलती नंबर एक, एडवांस के रिस्पेक्ट पे अगर तैयारी कर रहे हो इन्हें मत छोड़ना। कई बच्चे इसका कुछ पोर्शन सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको कहते हो, वहां पे कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करके जाना। एनसीईआरटी से बेस्ड एस ब्लॉक और हाइड्रोजन के क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन छूते हुए आ जाएंगे, ठीक है? चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किया क्वेश्चन करते हैं। जे एडवांस 2020 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट O2 ऑन अपॉन हाइड्रोलिसिस। अब Pb3O4 की अगर मैं बात करूं तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड रहता है और ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, तो इसका तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कमेंट बॉक्स में मेरे को ये जरूर बताना ये मिक्स ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला रहेगा, ठीक है? KO2, Na2O2 और Li2O2। जब ये तीनों पर नजर जाएगी तो एस ब्लॉक के, जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो तो उसमें जो मेन चर्चा हम लोग करवाते हैं, जो टीचर्स करवाते हैं, वो करवाते हैं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स की। तो आप ये जान रहे हैं कि ये हमारा सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इजंट इट? और ये हमारा परऑक्साइड है O22-। तो भाई जी परऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, चाहे वो तुम्हारा Na2O2 हो या तुम्हारा Li2O2 हो, यदि आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको NaOH या LiOH मिलता है प्लस H2O2 मिलता है। बट सुपर ऑक्साइड आर गुड या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एज कंपेयर टू परऑक्साइड्स बिकॉज ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। यदि आप पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये KOH भी देगा, ये H2O2 भी देगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट करेगा। इस रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1 और यहाँ पर 0, यानी कि ये कौन से प्रकार की रिएक्शन है जहां पर एक ही सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो? दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो करेक्ट आंसर कि यहां पर हमसे पूछा था यार O2 कौन लिबरेट कर सकता है, Pb3O4 ऑप्शन से लीक से बाहर ही चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार वो तो इनसॉल्यूबल है। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में कंफ्यूजन मेंटेन करवाने की कोशिश करी गई, लेकिन आप लोग ज्यादा समझदार है, आप जानते हैं कि सुपर ऑक्साइड ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए वो ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। H2O2 इन इट्स रिएक्शन विद Ki4 एंड H2O2 एंड H2OH रिस्पेक्टिवली इज एक्टिंग एज अ, ये एडवांस 2014 का जो क्वेश्चन है, एक्चुअली में 2020-21 से पहले जो क्वेश्चन आते थे एडवांस के, वो इनऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा इधर बिधर होते थे, लेकिन इधर लेटेस्ट अगर आप 3-4 साल देखो तो एनसीईआरटी को छूते हुए या एनसीईआरटी से जस्ट हल्का सा ऊपर आते हुए सवाल आ रहे हैं। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन ढूंढोगे H2OH के साथ की, तो रिएक्शन तो नहीं मिलेगी, नॉर्मली नहीं मिलेगी, तो इसमें आपको जूझना पड़ सकता है। मैं ये बात बच्चे के रिस्पेक्ट पे कह रहा हूं कि उसको कष्ट हो सकता है। अब H2O2 की अगर मैं बात करता हूं तो H2O2 में O की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यानी कि इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। इसीलिए ऑप्शंस में देखिए, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, 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 रिड्यूसिंग, जो भी चारों पॉसिबिलिटीज थी वो दी हुई हैं। अब H2O2, अब जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पे देख सकता है। अब H2O2 जिसमें ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब किसके साथ रिएक्ट करेगा? KiO4। तो KiO4 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो +1 +x -8 -0 x +7। क्या I की +7 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? नहीं हो सकती, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि I से रिलेटेड कोई भी उस साइड जो मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा, जो स्पीसीज बनेगी,
स्पीसीज बनेगी, वो बात तो गारंटी है कि आई में उसकी प्लस 7 से ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं हो सकती है, 7 से कमी होगी, यानी कि के आई ओ 4 प्रोडक्ट की तरफ हमेशा रिडक्शन ही दिखा रहा होगा। अगर ये हमेशा रिडक्शन ही दिखा रहा होगा तो यानी कि इसका क्या उत्तरदायित्व हुआ इसके साथ, इट इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर रहा है। तो मैं बता दूं बच्चों, ये के आई ओ 4 कन्वर्ट हो जाता है के आई ओ 3 में, ठीक है। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो आप प्लस 5 पाइएगा, तो प्लस 7 से प्लस 5 रिडक्शन, यानी कि ये है ऑक्सीडाइजिंग, तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एजेंट जहां पहले ऑप्शन लिखा है उसको देखिए, यानी कि ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकते हैं, ये और ये हो सकते हैं। अब निर्भर करता है NH2OH क्या है, तो H2O2 के साथ NH2OH की रिएक्शन करी गई। NH2OH में N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां से थोड़ा सा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि नाइट्रोजन का इससे ज्यादा और नीचे गिरना थोड़ा असंभव है, यानी कि ये 100% है या 99.5% है या 99% है कि ये ऑक्सीडाइज ही होगा, मतलब ऑक्सीडेशन दिखलाएगा, यानी कि यहां पे H2O2 इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये जिसको प्रोडक्ट नहीं पता, बाकी फिर प्रोडक्ट के नाम पर ये N2O3 देता है जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप प्लस 3 देख पा रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जे एडवांस 2022 का। देखो जैसे ये मैंने कहा था कि 2020 से पहले जाओगे तो एनसीईआरटी से बहुत तितर बितर सवाल मिलेंगे, लेकिन हाँ जैसे करीब आते हैं लास्ट के 3-4 साल में तो आपको एक ऐसा दौर दिखेगा कि आपको एनसीईआरटी से छूते हुए या एनसीईआरटी के 15-20% ऊपर नीचे सवाल मिलेंगे, एडवांस में भी, मैं आईओसी की बात कर रहा हूं। सिंपल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की, करो बताओ प्रोडक्ट Mg क्या देगा, बताओ MgOH होल स्क्वायर देगा, ठीक है, देगा कि नहीं देगा, प्लस CaCO3 देगा, ठीक है। नेक्स्ट BaSO4 देगा प्लस H2O2, नेक्स्ट इधर CaCl2 प्लस MgOH होल स्क्वायर, दोनों तरफ से मिल रहा है, अच्छा बढ़िया है। ये Ba और HCl यानी कि BaCl2 देगा और प्लस H2O2 देगा, CA और CA का CA के साथ ही कर रहा है, पहले तो यहां देख लेते हैं, ये तो बकवास हो गया कि ये किसके साथ मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करता हूं CaCO3 की, तो CaCO3 मुझको P में मिल रहा है, तो कोई ऐसा ऑप्शन जहां पे 4P के साथ हो, 4P के साथ यहां पर भी है और यहां पर भी है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो BaCl2 थर्ड वाला S के साथ है, थर्ड वाला S के साथ करेक्ट आंसर हो गया D, यानी कि 2 का R के साथ है, देखो MgOH होल स्क्वायर, और बचा हुआ H2O2 1 का Q के साथ है, हाँ बेटा बिल्कुल सही है। तो ये देखो, अब ये क्या है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि को आपको बहुत ज्यादा लफड़ाबाजी करनी है। आगे बढ़ते हैं, देखो यार हमने ना जब एडवांस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखे तो यार देखा यहाँ पे तो 3 ही सवाल में कहानी खत्म हो रही है, 5 सवाल तो करने हैं, तो हमने 2 सवाल अपनी तरफ से लाए हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहां पर मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर, पॉज करके खुद से भी ट्राई कर दो। अब ये H2O2, देखो यार हाइड्रोजन चैप्टर अगर तुम छोड़कर जा रहे हो तो भाई H2O2 जरूर पढ़ लेना, H2O2 की प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो H2O2 इज सॉरी HOOH, मतलब ये डाइहेड्रल एंगल की बात कर रहा है, इज ग्रेटर इन गैशियस फेज देन इन द सॉलिड फेज। जिसने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है तो उसने एंगल्स भी याद किए होंगे, कैसा होता है देख लो, ये गैस फेस में ये डाइहेड्रल एंगल, ये वाला एंगल नहीं कह रहा हूं, HOO नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है HOOH, यानी कि वो ये वाला एंगल कह रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो इस डाइहेड्रल एंगल की बात कर रहा है 111.5, और सॉलिड में वही
90.2। तो ये डाइहेड्रल एंगल गैसियस फेस में ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली लिक्विड फेस के, सॉलिड फेस के। तो ये पॉइंट करेक्ट निकला अपना। H2O2 इज मोर एसिडिक देन H2O, हाँ बिल्कुल बात सही है। इसके अंदर दो H प्लस खोने को है, पानी में एक ही H प्लस खोने को है। पानी टूटता है H प्लस और OH माइनस में, विच इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। H2O2 में पहले एक H प्लस निकलेगा, जब एक H प्लस निकलेगा तो बचेगा आपके पास HO2 माइनस, फिर उसमें से एक प्लस H प्लस और निकलेगा और बचेगा O2 2 माइनस, जिसको हम परऑक्साइड आयन के नाम से जानते हैं। तो यू कैन से, और हाँ इसकी के ए की वैल्यू, पी के ए की वैल्यूज के हिसाब से भी हमको पता चलता है कि H2O2 जो है ज्यादा एसिडिक है कंपेरेटिवली पानी के। ये स्टेटमेंट भी सही है, फैक्चुअल बेस्ड है। कह रहा है H2O2 फॉर्म्स मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन H2O, नॉर्मल है। हाँ पहली बार जब स्टेटमेंट बच्चा पढ़ेगा तो हो सकता है एकदम सकपका जाए कि ये क्या कह रहा है। तो देखो यार H2O2 का जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख पा रहे होगे कि एक H2O2 पर आप आराम से, जैसे ये दो ऑक्सीजन है, बट ऑब्वियस की बात है एक ऑक्सीजन ज्यादा ही है, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो संभव इसी में है ना। अब एक H2O2, ये H2O2 का मॉलिक्यूल देख रहे हो, यहां पे इस ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड और इस ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड, चार हो पा रही हैं। और यहां पर इधर आओ, ये ऑक्सीजन है, केवल दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है। भाई एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, पानी का आइस क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर या सॉरी हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, तो वहां पे हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि H2O में ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है और बाकी दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो यहां पर चूंकि H2O2 है तो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि चार, यहां पर दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की भी गिनना चाहो तो बात अलग है, चूंकि दोनों में दो दो एच है तो और बढ़ जाएंगी, उस हिसाब से इसकी छह हो जाएंगी, इसकी चार हो जाएंगी, उस हिसाब से तब भी H2O2 ही तो जीत रहा है ना। यानी कि ये पॉइंट भी सही हो गया हमारा कि H2O2 फॉर्म्स मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन H2O2। इसको क्या कहते हैं, इथाइल एंथ्रोक्विनोल। ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो इथाइल एंथ्रोक्विनोन बनता है और H2O2 का जो यील्ड होता है वो 1% होता है। ये जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2 आप पढ़ रहे होते हो तब ये चीज जरूर लिखवाई जाती है, और उसकी यील्ड को बेटर कैसे किया जाए ये भी पढ़ाया जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट आंसर इफ यू हैव स्टडीड द H2O2, अदरवाइज दिक्कत की बात है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर बहुत बच्चों को नहीं पता रहे होगा कि यार सोडियम बाइकार्बोनेट में जो HCO3- है और जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट में जो बाइकार्बोनेट है वो एक्चुअली में क्या करतब दिखाते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट बेस्ड चीज है, अगर आपको नहीं पता है तो यहां से सीख लेकर जाना। हालांकि ये क्वेश्चन कहीं आया नहीं हुआ है, देखो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये मैं कह रहा हूं ये फैक्चुअल बेस्ड है, इसको याद रखना। ये बात बिल्कुल फैक्ट लिखी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में जो बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता रहता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक लॉन्ग चेन बनाता है। लॉन्ग चेन दो तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन वही पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो HCO3- है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, जबकि ये चेन लाइक फॉर्म। तो ये तुम्हारा फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर सॉल्विंग प्रोसेस अगर अभी तक आपने पढ़ लिया हो तो हम जानते हैं कि वहां से हमको मिलता है Na2CO3, जो कि कैसे मिलता है, पहले NaHCO3 को हमें लेना पड़ता है, फिर हीट करते हैं तो Na2CO3 मिलता है। फिर वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या K2CO3 बना सकते हैं, तो K2CO3 के लिए KSCO3 चाहिए होता है, पर KSCO3 हम जानते हैं लिक्विड मेटल के जो बाइकार्बोनेट से डाउन द ग्रुप उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, तो चूंकि इट इज वेरी मच सॉल्युबल इसलिए हम इसको अलग से प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम सॉल्वे प्रोसेस में K2CO3 या KSCO3 को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बी सी सब सही है, और जो भी आपके मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं
वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे ये हो गया ये हो गया। लेकिन एक LiSCO3 है जो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, यानी कि ये पॉइंट आपका गलत लिखा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ABC। तो इस सीरीज के मुताबिक चूंकि 5 क्वेश्चंस करवा रहे थे और मुश्किल से इन 2 चैप्टर को मिलाकर 3 क्वेश्चन मिल रहे थे, बाकी सब 1990s के हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रखते हमको मेरे समझ में, तो और आसान भी थे है ना। तो यहाँ पर जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस लाने थे वो मैं 5 ले आया हूँ। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी एस ब्लॉक और हाइड्रोजन को तैयारी करने में या अप्रोच बढ़ाने में। छोड़ कर मत जाना, एटलीस्ट गिव्स अ रीडिंग टू दैट। मिलते हैं बच्चों फिर कभी किसी नए मोड़ पे, किसी नई मंजिल में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड और स्टडी हार्ड।